अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेकंड वीडियो ऑफ लास्ट वीक। हम डिस्कस कर रहे हैं क्यूरी प्रोसेसिंग। क्यूरी प्रोसेसिंग में मैंने पहले आपको एग्जीक्यूशन ऑफ क्यूरी दिखाई है, अभी हम कास्ट एस्टीमेशन देखते हैं। क्यूरी कास्ट कैलकुलेशन, हाउ मच टाइम क्यूरी विल टेक टू बी एग्जीक्यूट। एक क्यूरी जो आप करते हैं, कितना टाइम उसे लेना चाहिए। एक्चुअल चीज़ जो होती है इसमें, हाउ टाइम में हमारे पास, एक बात आपने जहन में रखनी है, ये मैंने स्टार्ट के लेक्चर में भी डिस्कस किया था, फिर फंक्शन ऑफ डीबीएमएस में भी डिस्कस किया है। अगर आप फंक्शन ऑफ डीबीएमएस में देखेंगे, वहाँ पे मैंने एक फीचर डिस्कस किया था, सपोर्ट टू डाटा कम्युनिकेशन, उसमें डिस्कस किया था कि देखें आपका जो डीबीएमएस होता है, डीबीएमएस ना इज नॉट एलिजिबल टू रीड और राइट डाटा फ्राम सेकेंडरी मेमरी। तो ये जो सेकेंडरी मेमोरी के ऊपर, क्योंकि आपका डाटा परमानेंट सेव होना है तो सेकेंडरी मेमोरी के ऊपर ही सेव होना है, और अगर आप राइट रीड करेंगे तो वहीं से लेके आएंगे। लेकिन जो आपके टूल्स होते हैं, ये सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ये सेकेंडरी मेमोरी से डाटा खुद रीड राइट नहीं करते, बल्कि इनकी हेल्प करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये खुद से नहीं कर रहे होते, कौन करके दे रहा होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम से। साफ ज़ाहिर है, आप जब ऑपरेटिंग सिस्टम करके देगा तो वो फिर उसका जो टाइम होता है, वो टाइम बड़ा क्रिटिकल होता है। जितने आपके पास जो क्यूरी प्रोसेसिंग में हम वो करते हैं, एक्चुअली दो चीज़ें होती हैं, एक तो वहाँ से रीड राइट ऑपरेशन, और फिर उसके ऊपर ऑपरेशन करना। जो ऑपरेशन अप्लाई होता है वो उसका टाइम निगलिजिबल होता है, जो मेजर टाइम होता है वो कौन सा होता है? जो आप रीड और राइट ऑपरेशन करते हैं। जब रीड और राइट ऑपरेशन करेंगे तो उसका टाइम काउंटेबल होता है। और एक्चुअली हम यहाँ पे कास्ट एस्टीमेशन में जो क्यूरी की कास्ट एस्टीमेट करते हैं, उसमें हम एक्चुअली ये ही नोट करते हैं कि ये क्यूरी अगर एग्जीक्यूट हुई तो इसको कितने ऑपरेशंस रिक्वायर्ड होंगे टू बी एग्जीक्यूटेड, कि वो एग्जीक्यूट हो तो कितने रीड और राइट ऑपरेशंस रिक्वायर्ड होंगे, क्योंकि वही क्रिटिकल होते हैं, वही काउंटेबल होते हैं, उन्हीं का टाइम लग रहा होता है। और ईच ऑपरेटर इज एग्जीक्यूटेड वन बाई वन, आपको पता है जितने भी होते हैं टाइम टू अप्लाई ऑपरेटर। जैसे ऑपरेटर आपका प्रोजेक्शन है, सिलेक्शन है, ज्वाइन है, ये जो ऑपरेटर है ये वन बाई वन होते हैं। ये पहले मैंने अभी करके दिखाया आपको, एक तीन इनर ज्वाइन थे, पहले एक इनर ज्वाइन होता, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर प्रोजेक्शन, फिर सिलेक्शन, फिर प्रोजेक्शन। ये मतलब सारे ऑपरेशन जो ऑपरेटर होते हैं वन बाई वन अप्लाई होते हैं, एट सडन सारे नहीं होते, उनके इंटरमीडिएट रिजल्ट स्टोर होते हैं। तो उनका जो ऑपरेशन का रिजल्ट होता है, मतलब दो टेबल आपके पास है, आपने ज्वाइन करना है, इस टाइम को हम निगलिजिबल कहते हैं। ये बहुत लीस्ट होता है, क्योंकि ये डीबीएमएस खुद कर रहा होता है और क्विक होता है। लेकिन डाटा को लेके आना, रीड करना, रीड के ऑपरेशन कॉस्टली, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। तो हमारा इस में जो क्यूरी प्रोसेसिंग में होता है, टाइम हम जो कंप्यूट कर रहे होते हैं वो यही होता है। तो जो इनर ब्रैकेट्स होंगी साफ ज़ाहिर है, वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होंगी। उसमें जो है ना, हाउ मैनी रीड एंड राइट ऑपरेशन विल बी एग्जीक्यूटेड, कितने चाहिए होंगे रीड, कितने ऑपरेटर कितने अप्लाई करने पड़ेंगे, राइट रिजल्ट कितने होंगे, मेजर टाइम आपका क्या है, वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। सबसे पहले देखते हैं कंप्यूटेशन होती कैसे है। क्यूरी की कंप्यूटेशन हो या फिर कोई भी कंप्यूटेशन हो, आप ज़रा इमेजिन करें, 4 + 5 + 7 आपके फोन माइंड में आएगा 16। हाउ This 16 happens, कैसे हुआ, जरा इसको आपने देखना है। ये ऐसे एट सडन नहीं होता। आपने एक्चुअली अगर थोड़ा सा अपने माइंड को स्लो करें, योर माइंड इज सो क्विक और विद इन नो टाइम इसने आपको 16 दिया है। लेकिन अगर आप बच्चे के लेवल पे देखें तो आप फर्स्ट टाइम कोई एडिशन बस सीख रहा है, नंबर्स हैं, तो वो पहले 4 को रीड करेगा, फिर 5 को रीड करेगा, फिर अप्लाई करेगा, फिर वो जो 9 बनेगा उसे याद रखेगा, फिर 9 उसके जहन में आएगा, फिर 7 आएगा, फिर रिजल्ट होगा। तो हम कहते हैं कि आपने 4 को एक्सेस किया, आपने 5 को एक्सेस किया, आपने रिजल्ट बनाया 9, और 9 को आप अपने मार्क्स क्या करेंगे, मेमोराइज करेंगे, सेव करेंगे। इंटरमीडिएट जो रिजल्ट होता है वो आपने याद रखना है। अगर सावधान मशीन की बात करेंगे, सेव यहाँ पे याद रखने के लिए आपको क्या करना होता है, मेमोरी में राइट लिखना पड़ता है, मेमोरी में राइट करना पड़ता है। फिर 9 एक्सेस करेंगे, फिर ये जो राइट किया हुआ है, फिर 7 एक्सेस करेंगे, तो अप्लाई करेंगे ऑपरेटर, रिजल्ट आपके पास आएगा 16। तो ये देखें, हमने इस 4 को एक्सेस किया। अगर डेटाबेस की बात करेंगे तो ये 4 हमें रीड करना पड़ेगा, ये 5 आपको रीड करना पड़ेगा, जो रिजल्ट आएगा 9 इसको राइट करना पड़ेगा, फिर 9 को रीड करना पड़ेगा, फिर 7 को रीड करना पड़ेगा,
जो रिजल्ट 16 बनेगा वो यूजर को दे दें, बस उसको राइट करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से आपने सोचना है, 4 को हमें रीड करना है, गेट करना है डेटाबेस में से, 5 को गेट करना है रिजल्ट जो आएगा, उस रिजल्ट इंटरमीडिएट रिजल्ट जितने भी होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, राइट होंगे। राइट होने के बाद फिर अगला ऑपरेशन करना है तो उसे फिर रीड करके लाना पड़ेगा। ये अपने माइंड में जरा फिक्स करना है आपने। तो हमारे पास एक क्यूरी है, ये बुक। अब यहां पर देखें, बुक रीड होगा क्योंकि ये कहाँ पे पड़ा हुआ है, डेटाबेस में पड़ा हुआ है। बुक रीड होगा, उसके ऊपर ये ऑपरेशन अप्लाई होगा। जब ये ऑपरेशन अप्लाई होगा तो मैंने आपको कहा था ये डीबीएमएस खुद करेगा, इसकी कास्ट निगलिजिबल है। जब ये अप्लाई हो जाएगा तो रिजल्ट आएंगे, वो रिजल्ट क्या होगा, इंटरमीडिएट रिजल्ट होगा, उसको हमने राइट करना है। फिर जो राइट किया हुआ रिजल्ट होगा इंटरमीडिएट, उसको रीड करके उसके ऊपर ये ऑपरेशन अप्लाई करना है, जो रिजल्ट आएगा उसे प्रेजेंट कर देंगे। कास्ट निकालनी है, ये आपके पास रीड होके आएगा, कितनी रोज रीड हुई है। हम नंबर ऑफ रोज को कहेंगे एक रो एक रीड ऑपरेशन, एक रो एक रीड ऑपरेशन। तो हमारे पास रोज आई है 4, 4 रीड ऑपरेशन आपके पास हो गए। फिर इसके ऊपर ऑपरेशन अप्लाई हुआ ग्रेटर देन 1200, तो आपके पास 2-3 बच गए, नहीं 2 बच गए, 2000 और 1500। तो ये जो 2 ऑपरेशन है, 2 रोज हैं, इन 2 रोज को हमने मेमोरी में राइट करना है, तो 2 राइट ऑपरेशन चाहिए। फिर इसको रीड करके इसके ऊपर क्या लगाना है, प्रोजेक्शन लगानी है। तो 2 रीड ऑपरेशन हो गए आपके पास, प्रोजेक्शन लगाई, रिजल्ट आपके पास जो भी होगा प्रेजेंट कर देंगे। तो आपके पास टोटल ये क्यूरी एग्जीक्यूट करने के 8 ऑपरेशन आपको चाहिए, 8 रीड राइट ऑपरेशन, 8 रीड राइट ऑपरेशन। नेक्स्ट, ये आपके पास क्यूरी है, इस क्यूरी को देखते हैं कि आपके पास एग्जीक्यूट होने के लिए कितना टाइम लगेगी है। इसकी सीक्वल, ये सीक्वल क्यूरी है, इसकी रिलेशन क्या बनेगी, टीचर ज्वाइन होगा टीआईडी के ऊपर एसजी के साथ, ये रिजल्ट इसका अरैग के ऊपर, इसका रिजल्ट स्टूडेंट के साथ, इसके ऊपर सिग्मा लगेगा और फिर प्रोजेक्शन लगेगी। ओके जी, सबसे पहले टीचर और एएसजी को ज्वाइन कराना है, तो टीचर रीड होगा, कितने रीड ऑपरेशन हो जाएंगे, 1 2 3 4 10 रीड ऑपरेशन हो जाएंगे, टीचर हैव टू बी रिट्रीव्ड 10 रीड ऑपरेशन। फिर असाइन हैव टू बी रिट्रीव्ड 9 रीड ऑपरेशन। फिर अब देखें 9 और 10 रीड हो गए, 9 और 10 रीड हो गए, रिजल्ट बना कितने, 2 3 4 5 6 7 8 9 रिकॉर्ड बन गए। तो ये इंटरमीडिएट रिजल्ट है, इसको हमने क्या करना है, राइट करना है। टेम्परेरी रिजल्ट हैव टू बी स्टोर्ड, 9 राइट ऑपरेशन रिक्वायर्ड। तो टोटल अभी तक की कास्ट कितनी बन जाएगी, 10 रीड टीचर के, 9 रीड एएसजी के, जो टेम्परेरी रिजल्ट स्टोर करना है 9, ये हो गया अभी तक की। उसके बाद ये जो रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट को हम रीड करके, इस रैग को रीड करके इन दोनों का ज्वाइन कराएंगे। अभी तक ये कास्ट आई है, तो हमने अब इस रिजल्ट को ज्वाइन कराना है किसके साथ, रैग के साथ। तो रिजल्ट रीड होगा तो 9 ऑपरेशन आपको लग गए, रैग रीड होगा 14 रिलेशन, ये 14 रोज है, 14 आपके पास लग गए। तो इनको जो ज्वाइन करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो कितने हैं, 14, तो 14 राइट ऑपरेशन हो जाएंगे। तो अभी तक ये कुछ कास्ट होगी वो क्या होगी, यहाँ तक पहले थी 10 9 9, अब क्या है 9 14 14, ये भी ऐड हो गई। नेक्स्ट, अब जो टेम्परेरी रिजल्ट था उसको रीड करना है और फिर स्टूडेंट के साथ इसे क्या करना है, ज्वाइन करना है। तो ये कास्ट थी पहले, स्टूडेंट रिजल्ट को रीड करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 14 रीड हो जाएंगे, स्टूडेंट को रीड करेंगे तो 11 रीड हो जाएंगे, इनको ज्वाइन करेंगे तो रिजल्ट आ जाएंगे आपके पास 14। तो फिर आपके पास कास्ट जो बनी, ये 14 प्लस 11 प्लस 14 भी ऐड हो जाएगा, ये अभी तक की कास्ट होगी। तो अब रिजल्ट कितने, 14 आपने राइट कर दिए थे, इसके ऊपर क्या लगाना है, सिलेक्शन लगाना है, सिग्मा लगाना है। तो ये 14 रीड करने पड़ेंगे, 14 क्या करने पड़ेंगे, रीड करने पड़ेंगे। तो 14 रीड ऑपरेशन चाहिए आपको। उसके बाद फिर क्या चाहिए, इसके ऊपर ऑपरेशन होगा क्या, नॉट लाइक ए, आपके पास रिजल्ट आ गए 7, आपके पास रिजल्ट आ गए, नहीं 7 नहीं है, 3 और 3 6, तो ये 6 रिजल्ट आप राइट कर देंगे, राइट ऑपरेशन आपको करना पड़ेगा। तो आपकी कास्ट बन जाएगी 14 प्लस 6 ऐड हो जाएगा।
अब इन छह के ऊपर फिर आपने ऑपरेशन करना है, तो छह को फिर रीड करके ले आएंगे और उसके ऊपर प्रोजेक्शन लगाएंगे, फाइनल रिजल्ट आपके पास ये आ जाएगा। अब इसको राइट करने की जरूरत नहीं है, तो ये आपके पास टोटल कास्ट बन जाएगी। तो इसको हम कहते हैं कास्ट एस्टिमेशन। तो नेक्स्ट हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। इंप्लाय पे वेयर एएमपी डॉट टाइटल, ये इसको देखें, इंप्लाय रीड करना पड़ेगा आपको 8 रीड ऑपरेशन, पे रीड करना पड़ेगा 4 ऑपरेशंस, ये रिजल्ट बनेगा। ये टेम्परेरी रिजल्ट है, इसको स्टोर करना है तो 32 ऑपरेशन आपको राइट करने पड़ेंगे। ये अब तक की कास्ट है। इसके ऊपर अब आपने कंडीशन लगानी है, सैलरी इज इक्वल टू 40,000, तो 32 आपको रीड करने पड़ेंगे। उसके ऊपर कंडीशन लगाई तो आपके पास कितने रिजल्ट है, 8 आपको राइट करने पड़ेंगे। अब फिर इसके ऊपर एक और कंडीशन लगानी है, तो 8 रीड करेंगे, फिर कंडीशन लगाएंगे, रिजल्ट आएंगे 2 राइट करेंगे क्योंकि इंटरमीडिएट है। फिर इसके ऊपर प्रोजेक्शन लगानी है, तो फिर ये 2 रीड करके ले आएंगे और प्रोजेक्शन लगाएंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। तो ये आपके पास टोटल कास्ट आ जाएगी और रिजल्ट भी आ जाएगा। अच्छा जी, एक और एग्जांपल देखें। ये चीज तो हम कर गए थे, ये दोबारा कैसे आ गया है, दूसरी नेक्स्ट एग्जांपल देखें। यहाँ पे स्टूडेंट प्रोजेक्ट और इसके ऊपर ये एक कंडीशन, अब ये एक ही कंडीशन है, ये नहीं है, 2 है। और वैसे भी कंडीशन का कोई वो नहीं होती, आपके पास क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट पहले आपने अप्लाई करना है। स्टूडेंट रीड करेंगे, 3 स्टूडेंट रीड करने पड़ेंगे, प्रोजेक्ट रीड करेंगे, 3 प्रोजेक्ट रीड करने पड़ेंगे, तो इसका रिजल्ट आएंगे 9, रिजल्ट आ जाएंगे 9। ये टेम्परेरी रिजल्ट है, 9 आपको क्या करने पड़ेंगे, राइट करने पड़ेंगे। फिर इनके ऊपर सिलेक्शन लगानी है, तो नाउ रीड करके ले आए और उसके ऊपर सिलेक्शन, नाउ रीड ऑपरेशन, इसका जो रिजल्ट आएगा वो फाइनल रिजल्ट होगा। तो ये आपके पास टोटल 24 आपके पास क्या आ जाएगा। इसके ऊपर फर्दर अगर आपने क्यूरी लगानी होती तो फिर ये 2 राइट करते हैं ऑपरेशन, मतलब सपोज करें प्रोजेक्शन होती, हमने सिर्फ एस नेम लगाना होता, तो फिर आप इसको क्या करते, अभी फर्दर भी करते हैं। ओके जी, नेक्स्ट आपके पास ये क्यूरी है। अब देखें इसके ऊपर प्रोजेक्शन नहीं है, तो इसका मतलब है आप इसे रीड करेंगे, इसे रीड करेंगे, जो भी रिजल्ट होगा वो भेज देंगे। स्टूडेंट रीड हुआ 4, प्रोजेक्ट रीड हुआ 4, जो भी रिजल्ट हुआ हमें उससे कोई गर्ज नहीं है क्योंकि फर्दर कोई ऑपरेशन नहीं है, तो बस इतनी नहीं। ये जो है ना, इसके ऊपर प्रोजेक्शन लगी हुई है। अगर यहां पे जरा नोट करें, ये ऊपर नीचे हो गई है, यहाँ पे लिखें। ओके, अब देखें इसको, 4 रीड किए, 4 प्रोजेक्ट रीड किए, रिजल्ट आया 3। अब इसके ऊपर प्रोजेक्शन लगानी है, तो 3 आपके पास रिजल्ट आएंगे, तो आपने क्या किया, 3 को राइट कर दिया, फिर ये 3 रीड किए और प्रोजेक्शन लगी, ये रिजल्ट आया, तो ये आपके पास टोटल आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। अब फर्ज करें इसके ऊपर प्रोजेक्शन नहीं है, पाए नहीं है, तो फिर आपके पास क्या आ जाए, 4, ये 4 और टोटल ये 8, 11 नहीं 8। ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्यूरी क्या कर सकते हैं, कास्ट कंप्यूट कर सकते हैं। एग्जांपल्स खुद करें, अगर कोई इशू हो तो मुझे बताएं।